लगभग 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार 5 अगस्त को देश छोड़कर भागना पड़ा। छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन दिन बर दिन उग्र होता जा रहा था। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया। साल 2018 में इस आरक्षण प्रणाली को वहां की सरकार ने खत्म कर दिया। तो आखिरकार क्यों देश छोड़कर भागी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना? कब शुरू हुआ बांग्लादेश का विवाद? 300 मौत होने के बाद भी सरकार क्यों खामोश थी? आइए जानते हैं आंदोलन की इनसाइड स्टोरी इस वीडियो में। साल था 1971 जब पाकिस्तान से आजाद होकर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई। अगले ही साल 1972 में बांग्लादेश की आजादी से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दिया जाता है। 1972 से चले आ रहे इस प्रणाली में अनेक बार बदलाव किए गए। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत कुल 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। अब इन नौकरियों में से 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए है, 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए, 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूह के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित है। अब समझते हैं कि इसमें विवाद कहाँ से शुरू हुआ। साल 2018 में इस आरक्षण प्रणाली को वहां की सरकार ने खत्म कर दिया, जिसके बाद इसी साल 2024 के जून महीने में हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और उस आरक्षण प्रणाली को फिर से लागू कर दिया। बांग्लादेश की कोर्ट ने सरकार के फैसले को गैर कानूनी करार दिया, जिसके बाद वहां के छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस फैसले को निलंबित करके 7 अगस्त को अगली सुनवाई की डेट दी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन दिन बर दिन उग्र होता जा रहा था। अब इसमें छात्रों के साथ वे लोग भी शामिल होने लगे जो इसके खिलाफ थे। वहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने अचानक ही आग का रूप ले लिया, हिंसा का रूप ले लिया। लगभग 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया और सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद हिंसा ने और तूल पकड़ लिया। सरकार पर लगातार दबाव बनाने लगे, लेकिन शेख हसीना ने छात्रों की मांग को यह कहते हुए मना कर दिया कि मामला कोर्ट में है और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार कह दिया। दरअसल रजाकार उसे कहते हैं जिन पर 1971 में बांग्लादेशियों ने आजादी के समय बांग्लादेश की मदद ना कर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया था। फिर तारीख आती है 21 जुलाई 2024। इस दिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर पुराने आरक्षण प्रणाली को हटा देती है और आरक्षण को 30% से घटाकर 5% कर देती है। साथ ही 2% अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर देती है, जिसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश में आरक्षण 56% से घटकर 7% हो जाती है। बाकी 93% सीटों पर बहाली योग्यता के आधार पर होगी। इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन यूं ही चालू रहा। आंदोलन करना शुरू किया उन्होंने, और जिसमें बीते रविवार 4 अगस्त को 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और सोशल मीडिया को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। फिर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शन का अंत नहीं है, और उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी और कहा कि उनकी अभी भी कई मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा, तभी वे प्रदर्शन समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने भाइयों की जान के लिए न्याय चाहते हैं, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक की। बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया। इसमें पीएम हसीना ने कहा कि जो लोग इस समय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों पर सख्ती से दमन करने की अपील करती हूं। लेकिन आंदोलन इतना उग्र हो गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार 5 अगस्त को देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं शेख हसीना के देश छोड़ते ही देश की सेना प्रमुख वकार उज जमा ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, देश में जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिलहाल बांग्लादेश में आर्मी रूल लग चुका है और बांग्लादेश में
कर्फ्यू को भी अब सेना ने हटा दिया है।